आज का जो विषय है वो ये है कि हमें 18 तारीख को हरकी पैड़ी हरिद्वार से कावड़ यात्रा शुरू करी है, और वो कावड़ यात्रा का जो मकसद है, उस कावड़ यात्रा का मुख्य जो मकसद है वो तो है कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब को सद्बुद्धि दे, शक्ति दे। देखो, उनकी शक्ति के लिए हम प्रयास कर रहे हैं भोलेनाथ के पास जाके, और 5 मुद्दे हैं। जिस तरह पांडवा ने 5 गांव मांगे थे ना, तो उसी तरह 5 मुद्दे हैं। एक मुद्दा, पहला मुद्दा है कि जो परावर की जमीन का मामला है, जहां पे स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल बनना था, तो उसके लिए नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं हुआ है, लेकिन सरकार अखबारों में दे देगी कि हमने ये कर दिया है, दे दी जमीन, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो एक तो मुद्दा ये है कि स्कूल कॉलेज हॉस्पिटल के लिए वहाँ 100 करोड़ रुपये दे सरकार। भगवान परशुराम मंदिर हम वहाँ पर बनाएंगे, 26 तारीख को महाशिवरात्रि के दिन वहाँ पे नींव रखी जाएगी भगवान परशुराम मंदिर की। तो एक तो मुद्दा है ये भाई साहब। दूसरा मुद्दा था कि हरियाणा के अंदर 25 लाख बेरोजगार हैं, 5 लाख वैकेंसी खाली पड़ी है, लेकिन मुख्यमंत्री जी के अंदर इतनी शक्ति ही नहीं आ रही, उनको सद्बुद्धि ही नहीं आ रही कि भाई उनको फिलअप कर दे, उनको भर्ती है, जो पद खाली पड़े हैं कम से कम उनको भर दे। अकेले सीईटी के जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट होना है, उसी के करीब 13 लाख, 2 साल तक 13 लाख बच्चे 2 साल हो गए हैं, हर महीने कह देते हैं इस महीने होगा, 2 साल तक धक्के खा रहे हैं सीईटी के। अकेले बता रहा हूं मैं, जो अलग है टीचर के हैं, हरियाणा पुलिस है, अलग अलग डिपार्टमेंट में, हेल्थ डिपार्टमेंट में है, उनका तो हिसाब ही नहीं है, अभी तक एग्जाम ही नहीं ले पा रहे हैं, वैकेंसी खाली पड़ी है। अकेले टीचर की 40,000 वैकेंसी खाली पड़ी है। तो हम तो ये सद्बुद्धि के लिए कि मुख्यमंत्री खट्टर साहब को सद्बुद्धि आए, शक्ति आए, क्योंकि शक्तिहीन है, मैं तो ये मानता हूँ। बोधा अपना हरियाणा में बोधा कह दें, कमजोर कह दें, वीक कह दें अंग्रेजी में, तो ऐसे मुख्यमंत्री हैं। ये दूसरा मुद्दा। फिर आगे बात कि जब बेरोजगारी है तो फिर क्राइम, हरियाणा के अंदर जो क्राइम की सिचुएशन है, आप सोच के देखिए कि विधायक अस्तीफा देते घूम रहे हैं कि हमारे बस की नहीं है विधायक की, सोच के देखो आप। अब विधायकों को जब धमकी मिलती है, एक आम इंसान की क्या हालात हो रही होगी, आप ये बात महसूस करके देख सकता है कोई भी आदमी, एक आम इंसान है उसकी क्या स्थिति होगी जब विधायक ही भाग भाग के जाके मुझे बचा लो। अरे जब विधायक ये बात कह रहे हैं कि भाई मुझे बचा लो, बड़ी गजब की बात है। और फिर विधानसभा और सरकार, मुख्यमंत्री तुरंत बुला लेता है उसके ऊपर मीटिंग कि विधायकों की सुरक्षा सुनिश्चित होनी चाहिए। अच्छी बात है, होनी चाहिए, हमारे जनप्रतिनिधि हैं। अब उनको AK-47 दी जाएगी, सुरक्षा गार्ड दिए जाएंगे, भाई विधायकों को तो दे दोगे, जो लोगों की ऐसी तैसी कर रखी है महिलाओं ने, चैन फैनना छोड़ दिया, असली सोना नहीं पहन रही महिलाएं, या नहीं पता हो तो आपको, क्योंकि चैन स्नेचिंग कितनी है, किसी के पास पैसा जाता उसको फरौती की धमकी, कहाँ पे गोली चक्कू चल जाए किसी को कुछ नहीं पता, कोई एक सुरक्षित नहीं है। तो भाई उनको तो AK-47 दे दोगे, ठीक है, लोगों को भी फिर पिस्टल बंदूक के लाइसेंस जारी होने चाहिए जिनको लगता है कि खतरा है, तो सरकार उसके लिए वो 5-5 लाख रुपए लाइसेंस दे के बनावे हैं, ये तो फ्री बनने चाहिए भाई, उनको आप AK-47 दे रहे हो, अच्छी बात है सुरक्षा में। लेकिन सवाल ये है कि जब DSP तक को कुचल दिया जाता है, अवैध माइनिंग कहाँ नहीं हो रही रहा, भिवानी से बंदरगढ़ से शुरू होगा, पूरा बॉर्डर आ जाओ, सोनीपत से लेकर पूरी जमुना, यमुनानगर तक पूरी जमुना, हर जगह अवैध माइनिंग हो रही है। और जब अवैध माइनिंग हो रही है तो उस टाइम पे अल्लाह गुल्ला होके कर देते हैं कि भाई हाँ ठीक है, एक पुलिस वाले के ऊपर हाथ उठाना कितनी बड़ी बात होती है, एक सिपाही के ऊपर, यहाँ तो DSP को चल दिए जा रहे हैं। तो जब DSP को चल देगा कोई, तो आप सोच के देखो हिम्मत कितनी है। तो ये राजनीतिक संरक्षण से 1,000 करोड़ रुपए का खेल अवैध माइनिंग का होता है। तो भाई साहब फिर आ गया नशा, कौन सा ऐसी जगह है, मैं तो जहां पे भी जा रहा हूँ लोगों से बात करते आ रहे हैं, पैदल आ रहे हैं हम तो घूमते फिरते, तो हर जगह लोग भाई चिट्टा पंजाब में बिक रहा है, हरियाणा में भी चिट्टा बिक रहा है, कोई सी ऐसी जगह नहीं है। एड शुरू हो गई है दारू की, ठेके वाले ऐड कर रहे हैं कि हमारे यहाँ बड़ा ये दारू पियो, आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा, आप स्वस्थ रहोगे। अरे दारू पी स्वस्थ रहेगा, दारू पीने वाले तुम्हें ना पी लगे, उनकी ऐड की जरूरत क्या है, कभी सुना है आपने हरियाणा में दूध गाइड करा हुई सरकार ने? अरे हरियाणा तो दूध दही का खाना बोला करते, अब तो दारू का पैना हो गया भाई, दारू सस्ती कर रही है सरकार, दूध महंगा कर रही है,
दारू तो इजीली अवेलेबल हो जाती है 12 बजे रात में, दूध दूध आपको नहीं मिलेगा 9 बजे भी। तब भाई हम शिव शंकर भोलेनाथ से इसलिए ये कोशिश कर रहे थे, आज जोड़ कहे थे कि सरकार को सद्बुद्धि दे दो, अरे सरकार ने शक्ति दे दो, शक्ति नहीं है। अब जैसे कानून व्यवस्था का मामला आता है, नशे का मामला आता है, हमारे गृह मंत्री जी अनिल विज साहब बोला मैं गब्बर सिंह हूँ, गब्बर सिंह, अरे उस तो पता नहीं किसने बता रहे गब्बर सिंह का डाकू था खुद, गब्बर सिंह क्या सोले पर, मैं अनिल विज साहब तने को हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ इनको सद्बुद्धि मिलनी चाहिए। न्यू गया गब्बर सिंह से कोई बचेगा नहीं, अरे भाई गब्बर सिंह का करेक्टर आपने कभी देखा है, गब्बर सिंह का करेक्टर था शोले में डाकू का, तो हरियाणा में गब्बर सिंह के गुंडों के हवाले है कानून व्यवस्था जिस तरह से हरियाणा के हालात हैं। फिर आ गया भ्रष्टाचार का मामला आपके करनाल का ही था, 200 करोड़ के तहसीलदार और DDPO वगैरह हो रहे थे, HPSC में करोड़ रुपए था या फार्मेसी में करोड़ों रुपए, वो भाग रहा है वो मुख्यमंत्री का खास आदमी है, वो मुख्यमंत्री लोग हो रहा है कितने लोग हो रहा है मेरा नहीं, उसका कहाँ छुपा रखा है मुख्यमंत्री जी खट्टर साहब आपका इतना क्लोज आदमी और वो पकड़ा नहीं जा रहा, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है कि मुख्यमंत्री जी के सारे पर सारी चीजें हो रही हैं, मुख्यमंत्री जी नकली राजा हरिश्चंद्र का मोर बांधे घूमे हैं। तो ये हमारे 5 इशू थे, नशा क्राइम का, रोजगार का, प्रावर की जमीन का। फिर जहां पर भी जा रहे हैं तो वहां की लोकल बात है, जहां तक देखो आज तो करनाल में हम हालांकि ये इकट्ठा कर रखा है हमने गंगा जल ले रहे हैं ताई, सब टाइम तो देंगे अपनी कावड़ यात्रा पूरी होने के बाद। करनाल के अंदर सबसे पहले क्या करते हैं, एक अवैध कॉलोनियां बसाते हैं, अब पता चला कि 80-70 साल जिनकी रजिस्ट्री हो ली, इंतकाल हो लिया, उनके भी घर गिर हैं, गरीब आदमी का तो तुम घर गिर दो, गरीब आदमी पर ताकत दिखाओ हो तुम, गजब बात है कि गरीब आदमी के ऊपर ताकत दिखा रही है सरकार, उनके तो घर तोड़ दे। एक बता रहे वो कोई DTPO बोला मेरा खोप, अरे अपना खोप दिखाना किसे, पैसे वाला इतना खोप दिखाना, यहाँ के मुख्यमंत्री विधायक हैं करोड़ों रुपए DTPO पीछे 100-100 करोड़ रुपए वाले हैं, वो दिखाना अपना खोप MP पे, ये यहाँ का जो MP है ये कॉलोनाइजर है, प्रॉपर्टी डीलर है, ये पहले अवैध कॉलोनिया बसवाता है और फिर उनको तड़वाता है, अपनी दिखाना वो बता रहा है मेरा खोप दिखेगा, अरे गरीब आदमी पे क्या खोप दिखाना हो है, गरीब आदमी तो ना मरा पड़ा है, गरीब आदमी तो इधर रोटी मतलब चून दूध पर GST ला दिया, सब गए सांस सांस रह रहे हैं मेरे ख्याल में लेने बस, ये हवा हवा खा के तो भाई कैसे आदमी जिंदा रहेगा। तो अफसर भी आके उन अवैध कब्जे करनाल में किसे पैसे हवा किधर ताकतवर आदमी की तरफ लगा के देखना, तू गरीब आदमी अगर ढाके घर वाला मेरा खोप क्या खोप क्या खागड़ पाग रहा है, लेकिन ये मुख्यमंत्री है भाई उन बांस आवे क्या गरीब लोग आस पास बसे रहेंगे, इनमें तो बदबू आओ इन लोगों ने। तो हम तो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री जी को सद्बुद्धि दे भगवान भोलेनाथ और शक्ति दे, क्योंकि जिस तरह हरियाणा में सरकार चल रही है कंस का राज है, कानून का राज नहीं हो सकता, कंस का राज हो सकता है, कौरवों का राज हो सकता है, कायरों का राज हो सकता है, कानून का राज हरियाणा के अंदर है नहीं। और मुख्यमंत्री हर आदमी परेशान है, चाहे जवान है, किसान है, मजदूर है, बेरोजगार है, महिला है, कोई भी खुश नहीं है हरियाणा में। अरे मुख्यमंत्री जी सर्वे करवा ले एक बार पता चल जाएगा, और अगर मुख्यमंत्री जी बिना सिक्योरिटी घूमे तो भाई साहब 1 घंटे में 1000 जूतों की माला मुख्यमंत्री के घर उसका 1000 1 घंटे में किसी भी जगह चले जाओ, वो चाहे करनाल में आ जाओ। तो पूरे हरियाणा का ये हाल है, जो करनाल है नहीं से मिल रहा, मैं ब्रह्म सरोवर पर गया था वो तो धर्म की जगह भाई, जय मुख्यमंत्री ब्रह्म सरोवर पे भाई साहब उसमें उतर के दिखा दो, जय कुल्ली नहीं टूटा मुख्यमंत्री की लिखवा लो, इतनी इतनी काई जम रही है, इतनी इतनी काई मेरे आगे 10 आदमी पड़े नाते नाते जवान बालक थे वे थे, अरे एक ब्रह्म सरोवर था उसकी मतलब वैसे तो वो बने रहे हैं। अभी इन्होंने कई जगह क्या किया, एक चीज मैं आपको बताऊं, नंदीशाला बनाई थी इन्होंने, अलग अलग जगह पे नंदीशाला चलाई थी कि भाई गौवा के नाम था वोट तक खा लिए इनने, चारा उनके लिए है नहीं। अब करनाल में भी बताओ है ठेकेदार ने बताओ है देंगे भाई तम से मालो, अरे सरकार तुम्हारे पास इतना पैसा नहीं है, गऊओं के नाम पे तुमने खा लिया सब कुछ, अब गऊओं को देने चारा भी नहीं है, गऊओं के लिए छत भी नहीं है, वो मुख्य प्रधानमंत्री जी कहते ना जो 2022 तक सबको छत होगी, ये क्या है छत जिनके है ये तोड़न ला करें, गरीब आदमी भी इनके सेक्टर में क्या कर रहे हैं नॉर्मल। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, पहले क्या होता था डरा निकलता था, एक आम आदमी का भी निकलता था,
अब तो ऑनलाइन बोली है, कौन आगा गरीब आदमी, कौन आम आदमी लगा देगा उसमें 50,000 एक लाख रुपए तक के रेट जमा है। तो पूरा का पूरा जो ये सिस्टम है, हम तो ये मानते हैं कि भाई जिस तरह से चला रहे हैं उस हिसाब से लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री जी को हम तो ये कह रहे हैं, सदबुद्धि दे भगवान भोलेनाथ, मुख्यमंत्री जी को शक्ति दें। अरे भाई गंगा जल लाए, वैसे कावड़ कूड़ लेना तो इनके बस की बात है नहीं, लेकिन मैं तो नहीं हूँ गंगा जी में डुबकी लाया हुआ, सामने का महीना है भोलेनाथ, गंगा मैया कुछ पाप इन न कर रखे हैं, कट जाएंगे कुछ लोगों को सदबुद्धि इसको इनको आ जाएगी, अब लोगों की सेवा कर ऐसे ही है। अरे भाई ईसा विपक्ष है, बेरानी के खा के बैठे, कौन से बिलों में घुस रहे हैं, मुर्दा है मुर्दा विपक्ष के नाम पे हरियाणा के अंदर मुर्दा है, क्योंकि छह मिलना है धमकी मिलने पद से भी बताओ, नहीं तो घेरो ना गृह मंत्री आ घर घेरो, मुख्यमंत्री आ घेरो, एसपी ना घेरो, डीसी ने घेरो, कुछ नहीं, हाय जी मर गए मर गए मर गए, बचा लो बचा लो बचा लो, बता क्या गे विपक्ष है भाई। तो ये हालात हैं भाई साहब, और हम तो ये कह रहे हैं मुख्यमंत्री ने सदबुद्धि दे, अरे नहीं तो भाई देखेगी जनता, कोई सवाल हो तो अभी पिछले दिनों डीएसपी को जिस तरीके से डंपर से कुचल दिया जाता है, परिवार ने भी सवाल उठाए कि उनके सिक्योरिटी गार्ड थे, एसएचओ मुख्य कहाँ थे, माइनिंग अधिकारी कहाँ थे। अरे भाई साहब मैं आपको बताते रहूं, किसी की हिम्मत है क्या थाने के आगे के निकलने की हिम्मत नहीं होती आम आदमी की, चौकी वैसे नाका लगा रखा होता है ना आपकी गाड़ी में सारे कागज है, कोई आपने गलत काम नहीं कर रखा उसके बावजूद भी धड़कन तेज हो जा है, अगो हो पुलिस है, और वो डंपर चढ़ा देते हैं ऊपर से सरे होता है, अवैध माइनिंग के नाम पे हजारों करोड़ रुपए। अब विपक्ष इसलिए नहीं बोल रहा, पहले वे मलाई खा रहे हैं, वे अपने बेला में घुस रहे हैं, तो ये हालात है भाई साहब। और ऐसा कैसे उसका है डीएसपी को चलने की हिम्मत आप सोच सकते हो।